बांडी तहसील में क्या मामला अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं चंपाल प्रधान प्रतिनिधि घाटमपुर। मेरे गांव में एक रास्ता है जो बरसात के दिनों में लोग पानी हेल के 2 से 3 फीट जाते हैं। जो लोग नहीं बनने दे रहे हैं उन लोग गांव के कम से कम 1 बीघा जमीन कब्जा की है, वो सरकारी रास्ता को वहीं बनने दे रहे हैं। सामुदायिक शौचालय और विवाह भवन उसमें भी दबंगई पूर्वक बनने रोकना प्रयास कर रहे हैं। क्या इसके वजह से क्या नुकसान हो रहा है आप लोग को, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके सामने? रास्ता बरसात के दिनों में 3 फीट पानी हिल के जाते हैं और गांव में कोई भी बैठने की जगह नहीं, झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, वहाँ सामुदायिक और शौचालय और विवाह भवन बन जाने से आने वाले दिनों में किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम, कोई शादी, कोई ब्याह, हर चीज़ के लिए अच्छा हो जाए। इसकी शिकायत आज आप किन अधिकारियों से किया? आज मैंने माननीय क्षेत्रीय विधायक माननीय विधायिका जी से आवास पे जाके हम लोगों ने बताया और उप जिला अधिकारी महोदय को हम लोग बता रहे हैं। यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी से, चूँकि उनकी इच्छा के अनुसार गरीब की जनता को लाभ मिले, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आप लोग की मुख्य मांगे क्या क्या है जिस रास्ते के लिए आप लोगों ने कितने गांव के लोगों के उस रास्ते से आवागमन बाधित? पूरा गांव 1,000 से 1,500 आबादी। चंद्रपाल जी, आखिरी एक अहम सवाल, सरकार की मांगता है कि कोई भी जितने भी गरीब लोग हैं उनको सड़क, पानी, आवास मिले, लेकिन फिर भी आपके ग्राम सभा में ये समस्या है, आप इसको क्या मानते हैं? मैं मानता हूँ कि सरकार एक्टिव है और शीघ्र ही न्याय मिलेगा। कौन लोग हैं जो रास्ता नहीं बनने दे रहे हैं? उसी गांव के एक परिवार है और सामुदायिक शौचालय अपराध भवन के भी विरोध जो कर रहे हैं वो दूसरे गांव समाज के लोग। अभी आपने SDM से मुलाकात की, क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि मैं पूरा सहयोग है, मैं सहयोग करूंगी, रास्ता भी न बनाऊंगी। मुख्य मांगे क्या क्या आप लोगों का? रास्ता बन जाए, सामुदायिक शौचालय और विवाह भवन जो बन रहा है वो बन जाए। मांगे मानने में अगर लेट हुई या नहीं हो पाया तो आगे आप लोग का क्या रहेगा? उसमें यदि किसी प्रकार का कोई कोताही होगी तो मुझे पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी गरीब के लिए किसी प्रकार की कलम चलाने में कोताही नहीं करते। Thank you.